नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टर्वी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य भी कर रहे होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको खनिज का एक पार्ट पढ़ाया था और आज खनिज का एक दूसरा भाग है जिसमें मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। पिछली क्लास में अगर बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज को मैंने तीन भागों में बांटा था, धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और आपके कौन से होते हैं और आपके ईंधन खनिज होते हैं, इतना मैंने आपको समझाया था। अब उसी के आगे मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो ईंधन खनिज हमारे समाप्त हो गए थे। ईंधन खनिज के बाद हम लोग धात्विक खनिजों की ओर बढ़ रहे हैं कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि धात्विक खनिज मतलब ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जो धात्विक खनिज होते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से उनकी प्राप्ति होती है। कहाँ से प्राप्ति होती है? तो प्राप्ति होती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्ति होती है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो खनिज में लयन खनिजों को फिर से दो भागों में बांट दिया गया, यानी धात्विक खनिजों को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया लोहांश खनिज, ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोहांश खनिज, और अलोहांश खनिज ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश ना पाया जाता हो। तो ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोहांश खनिज कहते हैं, और ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश ना पाया जा रहा हो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अलोहांश खनिज, ठीक है। अब अगर इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो एक एक से यहाँ पर खनिज पढ़ना प्रारंभ करता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास लौह अयस्क है, ठीक है। मैंने पहले से ENB बना रखी है ताकि बड़ा टॉपिक है आज के टॉपिक में सारे खनिजों को हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो मैंने ENB इसलिए बना रखी है। लिखा है लौह खनिज, समझिएगा, इसकी प्राप्ति जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से होती है, और लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? लौह अयस्क का। लोहा जो आप देख रहे हैं ना, जो कठोर अवस्था में पाया जा रहा है ना, सॉलिड है, ये सॉलिड अवस्था में नहीं पाया जाता बल्कि चूर्ण के रूप में पाया जाता है, चूना जैसा भुरभुरा है ना, जैसे चूर्ण होता है पाउडर रूप में पाया जाता है। और इसके जो पाउडर रूप में पाया जा रहा है इसी को क्या नाम दे दिया गया, अयस्क। लोहा चार प्रकार का होता है, या हम ये कह सकते हैं लोहे की चार प्रकार की किस्में होती हैं। लोहा की किस्में कितने प्रकार की होती हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोहा की किस्में चार प्रकार की होती हैं। देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ बना रखा है पहले से। लौह अयस्क के प्रकार की बात करें तो लौह अयस्क चार प्रकार का होता है, आपका मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये चार प्रकार का लौह अयस्क होता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूले भी आपको याद रखनी है, कई बार ये फॉर्मूले पूछ लेता है। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, यानी आयरन और ऑक्सीजन है। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है। लेमोनाइट का 3Fe2O3×3H2O होता है, और सिडेराइट का FeCO3 होता है। सिडेराइट का क्या होता है, तो सिडेराइट का होता है FeCO3। जैसे जैसे आप मैग्नेटाइट लोहा से सिडेराइट लोहा की ओर जाएंगे, ठीक है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क से हेमेटाइट, हेमेटाइट से लिमोनाइट और लिमोनाइट से सिडेराइट की ओर जाएंगे, याद कीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, कोयला में। इसी प्रकार से मैंने आपको कोयला में भी समझाया था, वहाँ पर एंथ्रासाइट था, बिटमेंस था, यहाँ पर मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है। सबसे अधिक मात्रा में धातु जो है मैग्नेटाइट में पाई जाती है, धातु की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है, लगभग 80 से कितनी होती है, 90% होती है। यहाँ पर धातु की मात्रा जो है लगभग, यहाँ पर धातु की मात्रा ये जो है ये 70% होती है। 3Fe2O3×3H2O में 50 से 60% धातु होती है, और सिडेराइट में 35 से 40% धातुओं की मात्रा होती है, ठीक है। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट से हेमेटाइट, हेमेटाइट से लिमोनाइट, सिडेराइट की ओर जाएंगे तो धातु की मात्रा में कमी आने के साथ साथ इनकी गुणवत्ता की मात्रा में भी क्या आएगी, गुणवत्ता की मात्रा में कमी आती है। इसलिए कहा जाता है जो सबसे अच्छे किस्म का लोहा होता है वह मैग्नेटाइट होता है, और सबसे निम्न प्रकार का या सबसे घटिया किस्म का जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका सिडेराइट। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता का मैग्नेटाइट होता है, और सबसे निम्न प्रकार का कौन सा होता है, सबसे निम्न प्रकार का होता है सिडेराइट, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे गुणवत्ता में कमी आती है, और गुणवत्ता में कमी आने के साथ साथ धातु की मात्रा में भी क्या आएगी, गुणवत्ता में कमी आने के साथ साथ धातु की मात्रा में भी कमी आती है, ठीक है। मैग्नेटाइट में लिखा है मैंने उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा देखा, और धातु की मात्रा देखने के कारण यह उच्च गुणवत्ता वाला लोहा है, ठीक है।
जबकि सिडेराइट जो होता है यह निम्न गुणवत्ता वाला लोहा है। कैसा है? निम्न गुणवत्ता वाला लोहा है। अगर पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार के लोहे के भंडार सर्वाधिक हैं, तो भारत में सर्वाधिक भंडार जो है वो हेमेटाइट के हैं। किस लोहे के भंडार सर्वाधिक हैं? तो भारत में सर्वाधिक भंडार या भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लोहा है वो कौन सा है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लोहा है वो है हेमेटाइट आपका। ठीक है, तो जल्दी से इसको बनाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको बनाइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी सिक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है, सबसे घटिया किस्म का या निम्न प्रकार का सिडेराइट है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कौन सा है? तो आप कहेंगे वो मैग्नेटाइट है। वो कौन सा है? वो मैग्नेटाइट है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे कोयले में पढ़ाया था वैसी सारी बातें यहाँ पर है कि कौन सा राज्य है जो लोहे का शीर्ष भंडारक राज्य है, लोहे के सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में पाए जा रहे हैं, और वर्तमान समय में लोहे का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक कर रहा है। तो अगर शीर्ष लौह अयस्क भंडारक राज्य पूछा जाए, सबसे ज़्यादा लोहे के भंडार कर्नाटक में है, फिर उड़ीसा में है, फिर झारखंड। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। और उत्पादन में पूछा जाए तो नंबर एक पर उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद कर्नाटक है। ठीक है, तो शीर्ष लौह अयस्क भंडारक राज्य हैं, जबकि शीर्ष लौह उत्पादक राज्य पूछे जाएं तो उत्पादन के मामले में ये राज्य को याद रखिएगा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और कौन सा है? और आपका कर्नाटक है। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और आपका कौन सा है? और आपका कर्नाटक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो जल्दी से, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हमें जैसे पता चल गया कि कर्नाटक राज्य लोहे का उत्पादन करता है या कर्नाटक राज्य में लोहे के भंडार सर्वाधिक हैं, तो फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक में कौन कौन से स्थान हैं जहां पर लोहा पाया जा रहा है। कर्नाटक में कौन कौन से स्थान हैं जहां पर लोहा पाया जा रहा है? तो देखो, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, तो कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ जिला, और धारवाड़ जिला के साथ साथ शिमोगा जिला, यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में लोहा मिलता है। धारवाड़ जिले में, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखा गया, और उन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लोहे की प्राप्ति हुई। इसलिए ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाएंगी वहाँ वहाँ लोहा पाया जाएगा। तो कर्नाटक में धारवाड़ और शिमोगा जिला, इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं। बाबा बुदान लिखा है, क्या लिखा है? बाबा बुदान पर्वत, और सिंदूर नहीं लिखा है, लिखा है संदूर पहाड़ी। बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र और संदूर पहाड़ी क्षेत्र, बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा, बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र। एक मिनट रुकिएगा, एक याद रखिएगा, बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र, और बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ संदूर पहाड़ी क्षेत्र। बाबा बुदान पहाड़ी क्षेत्र, बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र, और बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ संदूर पहाड़ी क्षेत्र, दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से किसकी प्राप्ति होती है? जहाँ से लोहा की प्राप्ति होती है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखिएगा, छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान है जहाँ से लोहा मिलता है? छत्तीसगढ़ में एक तो है बैलाडिला की खान। बैलाडिला की खान है, यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जनपद में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जनपद में है बैलाडिला की खान। साथ ही साथ दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक जगह है, नाम लिखा है डल्ली राजहारा। नाम क्या लिखा है? डल्ली राजहारा। तो डल्ली राजहारा की खान अगर पूछी जाए तो यह दुर्ग जिला में है। दुर्ग जिला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और बैलाडिला की खान इन दंतेवाड़ा जनपद में है, और दंतेवाड़ा जनपद वो भी कहाँ पर है? वह भी आपका छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा जनपद भी आपका कहाँ है? तो दंतेवाड़ा जनपद भी याद रखिएगा, दंतेवाड़ा जनपद भी आपका छत्तीसगढ़। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैलाडिला की खान और डल्ली राजहारा की खान। किस लिए जानी जाती हैं? लोहा के लिए जानी जाती हैं। कौन से राज्य में पाई जा रही हैं? तो राज्य का नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती। कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा देखिएगा, झारखंड में दो स्थान याद रखिएगा, एक का नाम है नोवा मुंडी की खान। झारखंड में दो स्थान याद रखिएगा, लिखा है नोवा मुंडी की खान
और पसीरा बीरू की खान, पसीरा बीरू की खान। तो नोबा मुंडी की खान और पसीरा बीरू की खान, ये दोनों खाने कहाँ हैं? सिंहभूमि जिला। और सिंहभूमि जिला कहाँ पर है? तो यह झारखंड में है। उड़ीसा में बादाम पहाड़ क्षेत्र जो है, साथ ही साथ गुरु महसानी की खान। तो उड़ीसा का बादाम पहाड़ क्षेत्र और गुरु महसानी की खान, यह भी किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज जनपद में है। और यह किसके लिए जानी जाती है? तो यह भी उड़ीसा में है और ये लोहे के लिए जानी जाती है। तो कितने स्थान हो गए बताओ? बाबा उदान पर्वतीय क्षेत्र एक, संदूर पहाड़ी दो, डल्ली राजहारा की खान, बैलाडिला की खान, उसके बाद नोबा मुंडी की खान, पसरा बिरू की खान, बादाम पहाड़, गुरु महसानी की खान। किससे संबंधित हैं? यह सभी हैं लोहा से संबंधित। और तमिलनाडु में एक जिला है, सलेम जिला, है ना, बहुत बार पूछा गया है। तमिलनाडु का सलेम जिला किस लिए जाना जाता है? तो याद रखना, तमिलनाडु का सलेम जिला जो है, तमिलनाडु का सलेम जिला जो है, वह किसके लिए जाना जाता है? लोहे के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? लोहे के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब लोहा से संबंधित कुछ लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, लोहा से संबंधित कुछ लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए और भारत के अलग अलग राज्यों में एक कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, ये जो लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं, यह हम जब आज़ाद हुए 1950 में, 1947 में, और 1950 में क्या हुआ, हम गणतंत्र हुए, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, जिसके आधार पर, ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिसके जिसके द्वारा हम बड़े बड़े उद्योगों का विकास कर सके। तो उद्योगों के विकास के लिए क्या किया गया? उद्योगों के विकास के लिए कई सारे, अच्छे समझिएगा, उद्योगों के विकास के लिए कई सारे देशों की सहायता ली गई, और इन्हीं देशों की सहायता के आधार पर भारत में कुछ लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। जैसे एक नाम लिखा है राउरकेला, एक मैंने सारणी क्या बनाई है, एक साइड लिखा है लौह इस्पात उद्योग, एक साइड लिखा है कि कौन सा लौह इस्पात उद्योग कौन से राज्य में है, स्थापना वर्ष और सहयोगी देश के कौन सा इसका सहयोगी देश है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग यह उड़ीसा में है, 1955 में इसकी स्थापना की गई, और ये कहाँ पर है? यह जर्मनी देश में है। कहाँ पर है? यह जर्मनी देश में है। भिलाई लौह इस्पात उद्योग यह छत्तीसगढ़ में है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से स्थापना की गई थी? सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापना की गई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, 1955 में स्थापना की गई। किस देश के सहयोग से? तो सामने लिखा है ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना की गई। बोकारो ये झारखंड में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 1964 में इसकी स्थापना हुई, और सोवियत संघ रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। एक यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, टूटी फूटी सी एक ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि कौन से लौह इस्पात उद्योग की कारखाना किस देश के सहयोग से की गई। लिखा है राज, रा का मतलब राउरकेला है, जा का मतलब जर्मनी है। राव राज लिखा है, राज में रा का मतलब है राउरकेला और जा का मतलब है जर्मनी। ठीक है, ये जान ही रहे हैं कि केरल में, उड़ीसा में राउरकेला। भीरू, भी का मतलब है भिलाई, रू का मतलब है रूस, भिलाई लौह इस्पात उद्योग रूस के सहयोग से। दुर्गा ट्रेन, दुर्गा का मतलब है दुर्गापुर, ट्रेन का मतलब हो गया ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, लिखा है बोरू, बोरू का मतलब क्या है? बो का मतलब है बोकारो और रू का मतलब है रूस। तो यह एक टूटी फूटी सी ट्रिक है जो मैंने आपके लिए बनाई है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा लौह इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है, कि कौन सा लौह इस्पात कारखाना कौन से देश के सहयोग से लगाया गया है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। लोहा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खनिज हमारे पास है, जिसका नाम है कॉपर। लोहा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण खनिज हमारे पास, इस खनिज का नाम क्या है? इस खनिज का नाम है कॉपर, जिसको हम तांबा भी कहते हैं। कॉपर अगर देखा जाए तो यह एक कैसा, यह किस प्रकार का खनिज है? यह एक धात्विक खनिज है। कॉपर धात्विक खनिज है, तो जाहिर सी बात है
धात्विक खनिज है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पहले कहाँ देखेंगे, कर्नाटक के क्षेत्र में, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्ति होती है पहली बात। दूसरी बात, मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली ये पहली धातु है। आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं ताम्रपाषाणकालीन युग, तो ताम्रपाषाणकालीन युग का मतलब क्या हो गया, ताम्रपाषाणकालीन युग का मतलब हो गया कि तांबे का युग, किसका युग, तांबे का युग, जहाँ पर मानव के द्वारा, जो आदिमानव थे, आदिमानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली वस्तु धातु पूछी जाए, अगर आदिमानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आप कॉपर बताएंगे, आप क्या बताएंगे, कॉपर बताएंगे। तो लिखा है मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु का नाम बताइए, कॉपर यानी तांबा। यहाँ पर मैंने लिखा है शीर्ष तांबा भंडारक राज्य, कौन सा राज्य है जहाँ पर तांबे के भंडार सर्वाधिक हैं, कौन सा राज्य है जहाँ पर तांबे के भंडार सर्वाधिक हैं, ठीक है। तो अगर तांबा के भंडार की बात करें राजस्थान, अभी मैं आगे समझाऊंगा, राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू जिला, राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू जिला, और झुंझुनू जिले में एक खान है खेतड़ी की खान, एक खेतड़ी की खान प्रसिद्ध है किसके लिए, खेतड़ी की खान प्रसिद्ध है लोहा कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर। प्राचीन काल में जो आदिमानव को कॉपर मिला था ना, वो यही खेतड़ी की खान से प्राचीन काल से मिल रहा है। तो एक हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये क्या है, ये तीन राज्य हैं जहाँ पर तांबा का सबसे ज़्यादा क्या पाए जा रहे हैं, तांबे के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जा रहे हैं। अगर उत्पादन की बात करें कि शीर्ष तांबा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है जहाँ पर तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद उड़ीसा, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर तांबे का उत्पादन अधिक हो रहा है, और ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर तांबे के भंडार अधिक है। तांबे का शीर्ष उत्पादक राज्य है और ये कौन से राज्य, शीर्ष भंडारक राज्य। कॉपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मिश्र धातु के निर्माण में भी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कौन सी धातु है जिसमें कॉपर मिला दें, अगर तांबा जो है, तांबा यानी कॉपर, कॉपर को अगर हम जस्ते के साथ मिला देते हैं तो एक धातु बन जाती है नई, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पीतल। बहुत बार पूछता है कि पीतल किन दो धातुओं के मिलने से बनती है, तो याद रखना पीतल तांबा और तांबा के साथ साथ जस्ता के मिलने से बनती है। तांबा और जस्ता के मिलने से किसका निर्माण होता है, पीतल का। और यहाँ पर एक ट्रिक भी है, यहाँ पर एक ट्रिक भी है, ट्रिक को भी समझिएगा, ट्रिक क्या है, ट्रिक है पिताजी, पी का मतलब पीतल है, ता का मतलब तांबा है, और जा का मतलब जस्ता है। तो पिताजी से याद रखिएगा, पी का मतलब पीतल है, ता का मतलब तांबा है, और जा का मतलब क्या है, जा का मतलब है जस्ता। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिलने से बनता है, और वहीं अगर तांबा यानी कॉपर में अगर हम टिन मिला देते हैं तो इससे एक नई धातु बन जाती है जिसका नाम है ब्रॉन्ज यानी कांसा, इससे एक नई धातु बन जाती है जिसका नाम ब्रॉन्ज है, अर्थार्थ क्या है, अर्थार्थ कांसा है। तो पीतल तांबा प्लस जस्ते के द्वारा बनती है, जबकि कांसा तांबा और टिन के द्वारा बनता है। तांबा किसके द्वारा, सॉरी पीतल तांबा और जस्ते के द्वारा बनता है, जबकि कांसा जो होता है वो तांबा और तांबा के साथ साथ टिन के सहयोग से बनता है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान में एक खान है खेतड़ी की खान, राजस्थान में एक खान है, इस खान का नाम क्या है, खेतड़ी की खान। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, और वहीं पर मध्य प्रदेश के बालाघाट जनपद में खान है मलाजखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी की खान पहले मैंने जिला लिखे हैं फिर राज्य लिखे, खेतड़ी की खान झुंझुनू जिला राजस्थान, मलाजखंड की खान बालाघाट जनपद मध्य प्रदेश, मूसाबानी की खान सिंहभूमि जिला झारखंड, और रंगपो नामक क्षेत्र यह सिक्किम है। ये चार महत्वपूर्ण तांबा यानी कॉपर उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट खेतड़ी की खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बालाघाट की खान। बहुत बार पूछा जाता है, बालाघाट की खान भी आता है नाम लिखकर, मलाजखंड की खान भी नाम लिखकर आता है, तो बालाघाट या मलाजखंड की खान जो है वो कहाँ पाई जा रही है, वह मध्य प्रदेश राज्य में पाई जा रही है। कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। मूसाबानी की खान ये सिंहभूमि जिला झारखंड में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सिंहभूमि जिला झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। चलिएगा, बातें समझ में आ रही हैं। ये चूंकि देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसलिए मैंने पहले से ENV का निर्माण करके रखा है कि समय आते इनको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये PDF भी आपको मैं दिला दूंगा। अगली धातु जो हमारे पास है, इस धातु का नाम क्या है, इस धातु का नाम है आपकी बॉक्साइट।
बॉक्साइड एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। बॉक्साइड क्या है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम आप जिस एल्युमिनियम का हमौर आप उपयोग करते हैं वो वास्तव में बॉक्साइड का क्या होता है, बॉक्साइड के द्वारा उसका निर्माण होता है। तो एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता बल्कि एक ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है। और कौन सा ऑक्साइड है, ऑक्साइड का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑक्साइड का नाम क्या है, बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड है कौन, बॉक्साइड। एल्युमिनियम बॉक्साइड या एल्युमिनियम का उपयोग क्या है, एल्युमिनियम के हम बर्तन बनाते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन समय में लोग बाग एल्युमिनियम के बर्तन बनाते थे, उनमें खाना खाते थे, है ना। साथ ही साथ विद्युत संबंधित जो उपकरण होते हैं, अच्छा कॉपर का भी उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। कॉपर के बर्तन आते हैं, बोलते हैं ना सुबह सुबह अगर तांबे के गिलास से पानी पियेंगे या तांबे के लोटे में पानी पियेंगे तो पेट संबंधित बीमारियां कम होती हैं। ऐसे सुनते हैं ना, पेट संबंधित बीमारियां कम होती हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा जब भी हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से अगर हमें कोई विद्युत संबंधित उपकरण खरीदना है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भैया ये कॉपर बाइंडिंग में है या एल्युमिनियम में है। तो दुकानदार से हम पूछते हैं क्यों, क्योंकि कॉपर जो होता है वो लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ होता है। कॉपर जो है वह लंबे समय तक चलता है, वो क्या उत्साह होता है, टिकाऊ होता है, जबकि एल्युमिनियम जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अगर आप कोई विद्युत उपकरण खरीदने जाते हैं तो वह कॉपर के लिए ना, जो कॉपर से निर्मित हो, कॉपर से बना हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखा है विद्युत संबंधित उपकरणों के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका, बॉक्साइड अर्थात एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के उत्पादन और भंडारण में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो एल्युमिनियम के उत्पादन की बात करें चाहे एल्युमिनियम के भंडारण की बात करें, दोनों में ही नंबर एक पर है आपका उड़ीसा, है ना। साथ ही साथ एल्युमिनियम से संबंधित कुछ कंपनी लगाई गई हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडल्को लगाई गई है। वैसे ये कंपनी है, ये आपको सर्च करना, ये कहाँ है, बालको, है ना। भारत बी ए कम बी का हो गया भारत, ए एल का हो गया एल्युमिनियम कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी। एक नाम होता है नालको, नाम जरूर सुने होंगे, नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, हिंडल्को हो गया। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा इंडल्को, इंडल्को, इंडल्को क्या होती है, इंडल्को होती है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, है ना। तो इस प्रकार के कुछ कंपनियां लगाई गई हैं एल्युमिनियम से संबंधित, ये कंपनियां लगाई गई हैं जिनमें से एक कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ है सर? तो उत्तर प्रदेश में रेणुकूट की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर रेणुकूट कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यह सोनभद्र जनपद में है, याद रखेंगे यह कहाँ है, यह आपका सोनभद्र जनपद में है रेणुकूट। तो यहाँ पर हिंडल्को नाम की कंपनी लगाई गई है। कौन सी कंपनी लगाई गई है, यहाँ पर जो कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है हिंडल्को, ठीक है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा। अगली जो दो धातुएं मैंने एक साथ लिखी हैं, एक धातु का नाम सीसा है और दूसरी धातु का नाम जस्ता है। सीसा और जस्ता जो है यह संयुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इन दोनों खनिजों को जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा और जस्ता ऐसे खनिज हैं जो संयुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं और संयुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण ही, संयुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण ही इन्हें हम जुड़वा खनिज कहते हैं। संयुक्त अवस्था का मतलब ये है कि अगर किसी स्थान से आपको सीसा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसी स्थान से आपको जस्ता भी मिल रहा होगा। दोनों साथ में ही पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। तो साथ में पाए जाने के कारण ही इनको क्या नाम दे दिया, साथ में पाए जाने के कारण ही इनको नाम दे दिया जुड़वा खनिज, ठीक है। अगर सीसा के या जस्ता के उत्पादन और भंडारण की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है और सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, तो शीर्ष उत्पादक एवं भंडारक राज्य इसका राजस्थान है। राजस्थान राज्य सीसा और जस्ता के भंडारण में सबसे आगे है, ठीक है। चाहे सीसा हो चाहे जस्ता हो, भंडारण में और उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान है। राजस्थान में दो खाने याद रखिएगा, एक खदान का नाम है जावर की खान और एक खदान का नाम है रामपुर अगूचा की खान। रामपुर लिखा है, अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं दोबारा से लिख देता हूं, रामपुर अगूचा की खान। रामपुर अगूचा कौन सी खदान है, रामपुर अगूचा। तो एक इसको याद रखिएगा, रामपुर अगूचा की खान, ठीक है। रामपुर अगूचा की खान ये कहाँ पर है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। और जावर की खान अगर पूछी जाए तो जावर की खान कहाँ पर है, तो जावर की खान याद रखिएगा
यह उदयपुर में है। कहाँ पर? उदयपुर। दोनों ही स्थान यानी जावर की खान और रामपुर अगुचा की खान, ये दोनों ही खदानें किसके लिए जानी जाती हैं? सीसा और जस्ता। और सीसा और जस्ता साथ में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? इसलिए इन्हें कहा गया जुड़वा खनिज। ठीक है, चलो। सीसा और जस्ता, तो यहाँ पर मैंने फिर से लिखा है सीसा। सीसा का एक अयस्क होता है, बहुत बार पूछा गया गैलिना। सीसा के अयस्क या पूछा जाता है गैलिना किस धातु का अयस्क होता है, किस धात्विक खनिज का अयस्क है गैलिना? तो बता देना, गैलिना जो है वह अयस्क होता है किसका? सीसा का। विद्युत का ये कुचालक होता है सीसा। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। लोहा को स्थायी रूप देने के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए लोहे में हम क्या करते हैं? लोहे में हम सीसा को मिला देते हैं। ठीक है, सीसा बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। सीसा के बाद लिखा है जस्ता। जस्ता जिसको हम जिंक कहते हैं, इसके चार ऑक्साइड हैं, जिंकाइड है, जिंक सल्फाइड है, कैलोमाइन है और विलेमाइट है। ठीक है, इसके चार ऑक्साइड होते हैं या अयस्क कह लीजिएगा। जिंक सल्फाइड होता है, कैलोमाइन होता है, जिंक सल्फाइड हो गया, कैलोमाइन हो गया, जिंकाइड हो गया, और कौन सा होता है? और होता है आपका विलेमाइट। और कौन सा होता है? यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर होता है आपका विलेमाइट। कौन सा होता है? विलेमाइट। ये अयस्क होते हैं किसके? जस्ता यानी जिंक। आपने देखा होगा अगर आपके पास लोहे का कोई सामान है तो उस पर वर्षा ऋतु में उस पर जंग ना लगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उस पर जस्ते का या जिंक का लेप चढ़ा देते हैं। रेल की पटरियों पर सामान्यतः जंग ना लगे वर्षा ऋतु में, जब बारिश होती है तो संक्षारण की प्रक्रिया होती है, तो जो ट्रेन की पटरी है उस पर जंग ना लगे, जंग ना लगे इसके लिए उस पर क्या कार्य किया जाता है? उस पर कार्य क्या किया जाएगा? तो उस पर कार्य किया जाता है क्या? उस पर कार्य किया जाता है कि जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है। किसका लेप चढ़ा देते हैं? जिंक का लेप चढ़ा देते हैं। ठीक है, उपयोग क्या है? अगर जस्ता या जिंक के उपयोग की बात करते हैं तो लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। जो लोहा है, लोहे को जंग से निजात दिलाने के लिए, जंगरोधी बनाने के लिए क्या करते हैं? जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जो बैटरी होती है या जो मोटर के कलपुर्जे होते हैं, बैटरी एवं मोटर के कलपुर्जे बनाने के लिए भी क्या किया जाता है? जिंक का उपयोग किया जाता है, जस्ते का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी बैटरीज होती हैं बड़ी बड़ी इन्वर्टर वाली, या फिर मोटर है, कोई विद्युत मोटर है, उसमें कोई कलपुर्जा बनाना है, तो उसके लिए भी किसका उपयोग करते हैं? जस्ते का उपयोग करते हैं। ठीक है, और पहले इसके पहले मैंने बताई आपको कि कॉपर और जस्ते के द्वारा हम क्या करते हैं? मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, है ना? पिताजी बताए हैं पीतल कैसे बनेगा? कॉपर तावा, तावा में जस्ते मिलाने से पीतल बनता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली धातु है चांदी। चांदी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, चांदी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि जो चांदी होती है वह सीसा और जस्ता के साथ सम्मिलित अवस्था में पाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन जो देश करता है वो चीन है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये शीर्ष चांदी उत्पादक देश हैं, और कहीं पर भी इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी, बल्कि जिन स्थानों पर चांदी पाई जिन स्थानों पर सीसा और सीसा के साथ साथ जस्ता पाया जाता है, भारत में चांदी के स्वतंत्र खाने नहीं हैं, यह सीसा एवं जस्ता के साथ संयुक्त अवस्थाएं पाई जाती है। जहां पर सीसा और जस्ता पाए जाएंगे वहीं पर संयुक्त अवस्था में कौन पाई जाएगी? वहीं पर संयुक्त अवस्था में चांदी पाई जाती है। कौन पाई जाती है? चांदी। शीर्ष भंडारक एवं उत्पादक राज्य किस चांदी के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, है ना? तो चांदी के उत्पादन और भंडारण में एकाधिकार है राजस्थान। क्यों एकाधिकार है? क्योंकि राजस्थान से ही सीसा और जस्ता मिलता है, और जहां पर सीसा और जस्ता मिलेगा वहीं से किसकी प्राप्ति होती है? चांदी। चांदी का उपयोग क्या है? चांदी के बर्तन भी बनाए जाते थे। चांदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। चांदी का उपयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में उपयोग की जाती है। चांदी किस में उपयोग की जाती है? तो आप कहेंगे सर चांदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? आभूषण के निर्माण में चांदी का उपयोग करते हैं। ठीक है, बोलो। चलो, चांदी के बाद एक और बहुमूल्य धातु है जिसका नाम है सोना यानी गोल्ड। इसका उपयोग किस में करते हैं? तो आभूषण के बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी KGF, है ना? KGF मूवी का फुल फॉर्म क्या है? के का मतलब है कोलार,
जी का मतलब है गोल्ड, एफ का मतलब फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। कर्नाटक में दो स्थान हैं, एक स्थान का नाम है कोलार और एक स्थान का नाम है हट्टी, मैंने दोनों लिखे हैं। उपयोग समझ लीजिएगा, सोने का उपयोग तो बताने कोई आवश्यकता नहीं है। आभूषणों के निर्माण में आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग किया जाता है गोल्ड का। लिखा है कर्नाटक में कोलार की खान एवं हट्टी की खान से प्राप्ति होती है किसकी, गोल्ड की। तो कर्नाटक में एक स्थान है कोलार की खान और कर्नाटक में ही एक स्थान और है हट्टी की खान। इन दोनों ही खानों से किसकी प्राप्ति होती है, इन दोनों ही खदानों से, इन दोनों ही खानों से प्राप्ति होती है गोल्ड की। किसकी प्राप्ति होती है, इन दोनों ही स्थानों से गोल्ड की प्राप्ति होती है। आंध्र प्रदेश में एक खदान है रामगिरी की खान, तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से भी किसकी प्राप्ति होती है, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से भी सोना की प्राप्ति होती है। किसकी, सोना। तो दो स्थान याद रखिएगा, कर्नाटक और कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, जहां से हमें क्या मिलता है, जहां से हमें सोना मिलते हैं। ठीक है, तो कोलार की खान हट्टी की खान दोनों बड़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक, अच्छा यहाँ तक अभी मैं आपको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज समझाया हूँ। धात्विक खनिज, सॉरी, यहाँ तक अभी जो हमारी बात हुई है वो धात्विक खनिजों की हुई है। और धात्विक खनिजों में भी कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें लोहा पाया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनमें लोहा नहीं पाया जा रहा है, जैसे सोना चांदी है ना, पारा है, जिस शीशा है, तो इनमें लोहा तो पाया नहीं जा रहा है। तो ये हो जाएंगे अलोहांस, और जैसे कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गई, और आपका लोहा होगा उसमें क्या हो गया, वो हो गए लोहांस खनिज। अब इसी के बाद थोड़ा सा सेगमेंट और है जिसमें हम लोग अधात्विक खनिजों की बात करने चल रहे हैं। तो पहला अधात्विक खनिज मैंने हीरा लिखा है, क्योंकि सोना चांदी पढ़ा हमने, तो उसके बाद हीरा का नंबर आता है। हीरा, जिसको इंग्लिश में हम डायमंड कहते हैं, याद रखिएगा जितने भी अधात्विक धातुएं हैं, जितने भी अधात्विक खनिज हैं, वह सभी अधात्विक खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, विंध्यन क्रम के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्ति होती है, तो विंध्यन क्रम के चट्टानों से प्राप्ति होती है। तो लिखा है हीरा, जिसको हम डायमंड कहते हैं, विंध्यन क्रम के चट्टानों से क्या होती है, विंध्यन क्रम के चट्टानों से प्राप्ति होती है। प्रकृति का सबसे कठोर एवं कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कौन, हीरा। प्रकृति का सबसे कठोर, कई बार पूछा जाता है प्रकृति के सबसे कठोर तत्व को किस नाम से जानते हैं, या पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो आप बताएंगे हीरा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह प्रकृति का सबसे चमकीला पदार्थ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि हीरे पर आप जितना भी प्रकाश डालेंगे वह संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देता है, वापस लौटा देता है। हमेशा याद रखिएगा, वह वस्तुएं जो चमकीली होती हैं, वह वस्तुएं जो चमकीली होती हैं, उन पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, वह जब प्रकाश को बाहर निकाल देती हैं तो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह प्रकृति का सबसे चमकीला पदार्थ भी है कौन, हीरा। मध्य प्रदेश के पन्ना सतना रीवा क्षेत्र से, मध्य प्रदेश के पन्ना सतना रीवा क्षेत्र से किसकी प्राप्ति होती है, तो मध्य प्रदेश में पन्ना सतना रीवा क्षेत्र से हीरा की प्राप्ति होती है, गोल्ड की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। पन्ना सतना और रीवा किसके लिए जाने जाते हैं, तो आप कहेंगे सर पन्ना सतना रीवा क्षेत्र को हीरे के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा जहाँ पर वर्तमान में आज पन्ना सतना रीवा है, वहाँ पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, विंध्याचल। तो अगर मान लीजिएगा प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो आप बताइएगा हीरा। ठीक है, चलो हीरा के बाद यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक लास्ट पॉइंट है मेरा, यहाँ पर मैंने तीन खनिजों के नाम लिखे हैं, संगमरमर है, जिप्सम है, सैलखड़ी है। ये सभी अधात्विक खनिज, इनमें कोई भी धातु नहीं पाई जा रही है। याद कीजिएगा अरावली और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र जब मैं पढ़ा रहा था, जब भी मैंने इसका जिक्र किया था, तो संगमरमर है, जिप्सम है, सैलखड़ी। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका निर्माण सीमेंट के लिए किया जाता है ना। सैलखड़ी का मतलब समझते हैं, सैलखड़ी का मतलब होता है चाक। सैलखड़ी का मतलब क्या होता है, सैलखड़ी का मतलब होती है जो आपकी चाक होती है, लिखने वाली जो चाक होती है, जिस पर सामान्यतः पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, जहाँ पर लिखा जाता था चाक से। तो संगमरमर है, जिप्सम है, सैलखड़ी है, यह अधात्विक खनिज हैं, और यह विंध्याचल एवं अरावली पर्वतीय क्षेत्र से क्या होती है, विंध्याचल, और विंध्याचल के साथ साथ अरावली पर्वतीय क्षेत्र से इनकी प्राप्ति होती है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है, कहाँ से इनकी सर्वाधिक प्राप्ति होती है, तो तीन राज्य हैं जहाँ से संगमरमर, जिप्सम और सैलखड़ी की प्राप्ति होती है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ से अधात्विक खनिजों के अंतर्गत संगमरमर, ठीक है, जिप्सम, सैलखड़ी की प्राप्ति अधिक होती है। ठीक है,
तो एक कल का लेक्चर और एक आज का लेक्चर, इन दो लेक्चर में मैंने आपको भारत के खनिज संसाधन, वैसे तो भारत में और भी खनिज पाए जा रहे हैं, थोरियम है, बेरिलियम है, ठीक ना, बहुत सारे, क्रोमियम है, टंगस्टन है, बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं MTS के लिए अर्जुन बैच के अंतर्गत, वो पढ़ाई हम किसको लेकर कर रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ाई कर रहे हैं कि 30 दिन के अंतर्गत हमें वह सभी विषय वस्तु पढ़नी है, वह मुख्य मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं, वह मुख्य मुख्य सामग्री पढ़नी है जहाँ से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन बनाएगा और उन क्वेश्चन के हम आंसर देने में समर्थ रहें, ठीक है। तो खनिजों के अंतर्गत ईंधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, जो भी आपके परीक्षा में जितना इंपॉर्टेंस है इनका, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने अपने दृष्टिकोण से, अपने अनुभव के आधार पर वो सभी पॉइंट क्लियर किए हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि इन पॉइंट के अलावा और कोई आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा नहीं, ठीक है। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, दो लेक्चर में मैंने जितना भी हो सकता था उतने खनिज आपको पढ़ा दिए और यही खनिज निश्चित रूप से आपके लिए जरूरी भी है, ठीक है। आज क्लास को यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, आज यहीं रखते हैं, थैंक यू।